हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुमता तनुज ब्लॉग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये बज रहा है दोपहर के 12 और मैं जा रही थी स्कूल, तो मैं सोची पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते। तो आप लोग बताना कमेंट में आप सभी कैसे हैं, और हम लोग तो बिल्कुल ठीक है, फिट फाइन। और मैं अब चली रही थी स्कूल और अभी लाइट कटी हुई है तो पूरा अंधेरा है उधर। तो जैसे लाइट आ रही है, चाहे मैं स्कूल से आ रही हूँ, तो आगे का ब्लॉग जरूर स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या करना है आज, क्योंकि अभी तक तो काम हो गया है जो सुबह का होना था। चलिए मिलते हैं, अभी मैं जा रही हूँ स्कूल क्योंकि लेट हो रहा है। तो गाइस, सब हम लोग स्कूल से आ गए। तो मुझे इधर देखो, इधर देखो ना, अपना राखी दिखाओ। ये कौन बांधा है आपको? मैम। और कौन लाया था? ये कौन लाया था राखी? सिस्टर ने। सिस्टर लाई थी? तो आपने सिस्टर को गिफ्ट दिया था? और सिस्टर आपको क्या दिए दिखाओ, ये क्या है? मिनी माउस। मिनी माउस? हाँ, इसकी लाइट भी चलती है। जला के दिखाओ। ऐसे ऐसे जलता है। तो ये इनकी सिस्टर गिफ्ट दी है। हाँ लाइट कटती है। अच्छा, भी नहीं देता मुझे। आपको पढ़ने नहीं देता लाइट? चलो इधर बाय बोलो। बाय। एक लाइट इस कर दो, अच्छे से कर दो जल्दी से। और बोल दो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। इधर देखो। हाँ। क्या कर रहे? जा तो क्या, आइसक्रीम ऐसे खाया। ये भगवान, पहले मुंह तो क्या पूरा ही दादी ने लगाया। दादी ने? दादी लगाया है? हाँ। तो कोई बात नहीं, इसको साफ कर लो। ऐसे लग रहा है ना जैसे कि रैबिट की तरह ऐसे ऐसे निकला हुआ है। जा तो क्या, जा। तो गाइस, अभी ये जा रहे हैं मौसमी खाने के लिए, और यहाँ पे मैं अभी खरीद के आई मौसमी, आया तो गली में खेलने। तो ये दो ना मुँह, ये रैबिट बन के घूम रहा है ऐसे, यहाँ यहाँ तक ले लगा हुआ है। जा तो क्या। तो चलिए गाइस, पहले हम इनको दे दे मौसमी खाने के लिए, उसके बाद बनाते हैं खाना वाना। तो गाइस, मैं अभी किचन में आ गई हूँ और तनुज को पहले मैं एक पराठा बना के दे दूँ खाने के लिए। और यहाँ पे देखो जी, एक हफ्ते का मलाई इकट्ठा हो गया है, तो इसको इसके बाद निकालते हैं। तो इसका दिखाएंगे कि मैं कैसे निकालती हूँ, और उसमें आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग कैसे निकालते हो। चलिए मैं पहले बना लूँ। तो गाइस, घी निकालने के लिए मैंने मलाई को जार में डाल लिया, मिक्सी जार में, और मैं अभी फ्रिज से निकाली हूँ, तो ये ठंडा है, तो इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे। मैं इसमें नॉर्मल पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ, उसके बाद मिक्सी में चला देंगे। यदि आप मलाई बाहर रखे हो तो उसमें ठंडा पानी ऐड करना पड़ेगा। फिर चलिए मैं चला लेती हूँ पहले। तो गाइस, यहाँ पर देखिए मक्खन हो गया है बाहर। अब चलिए हम इसको निकाल के तब खराते हैं, इसको घी बनाएंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पे अब चूल्हा पे चढ़ा दी, जिसको खरा ले रहे हैं ऐसे, फ्लेम हाई है इसीलिए बार बार चलाना पड़ता रहेगा इसको। चलो
यहाँ पे घी पक के हो गया है रेडी। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा लाल हो चुका है, यहाँ पे अच्छे से पक गया और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब इसको मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और अब यहाँ पर ठंडा होगा तब मैं इसको छानूंगी। थोड़ा देर चला दे रही हूँ, एक समान हो जाएगा ये देखो। तो गाइस देखिए यहाँ पे घी हो गया है रेडी, अब मैं इसको इसमें छान लूँगी। पहले से इसमें घी मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, इसी में छान लेंगे। यहाँ पे चाहे छन्नी रखेंगे और जो इसमें ब्लैक फोरन जो नीचे बच गया है वो उसको नीचे रहने और ऐसे करके ऐसे छान लेंगे। तो गाइस अब मैं इसको हटा दूंगी और यहाँ पे घी निकल गया पूरा। तो देखिए घी का कलर कुछ ऐसा है, ये पहले का ये तो जमा हुआ है और ये ऐसा है क्योंकि ये मैं फ्रिज में रखी हुई थी, नहीं तो अभी गर्मी के टाइम में ये काफ़ी घुला हुआ होता, लेकिन नहीं अभी मैं। और यहाँ पर मैंने कुछ छुआड़ा दे दिया हुआ है, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं आ गई अभी रूम में और यहाँ पे तनुज अपना सो गए हैं, खाना वाना खा के अब ये सो गए हैं और मैं भी जा रही हूँ थोड़ी देर लेटने। उसके बाद देखेंगे कपड़ा उपड़ा है बाहर ले आऊँगी, फोल्ड वोल्ड करूँगी और उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी ही अपलोड करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए और गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट बोल रहे, बाय बाय, ऑल ऑफ यू माई यूट्यूब फैमिली, हैबिट होगी ना अब कि मैं रोज रात का ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो हैबिट से हो गई कि अब चलो मुझे गुड नाइट बोलना है, तो सॉरी मिस्टेक के लिए। और बाय बाय ऑल ऑफ यू।